फ्री शराब और बाई वन गेट वन शराब का नाम सुनकर आपको अरविंद केजरीवाल जरूर याद आते होंगे, वही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री शराब की स्कीम निकाली हुई थी, जिसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, उनके साथ उनके कई मंत्री और नेता जेल भी जा चुके हैं। बहरहाल अभी केजरीवाल जेल से बाहर है और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा हम शराब और केजरीवाल की बात क्यों कर रहे हैं, तो बता दें कि अब आंध्र प्रदेश में भी शराब को लेकर सरकार की तरफ से एक नई नीति बनाई गई है। नीति क्या है कि किसी भी ब्रांड की 180 मिलीमीटर शराब को सिर्फ 99 रुपए मतलब 99 रुपए में बेचा जाएगा। सरकार ने सभी स्थापित ब्रांडों की शराब सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बता दें कि सचिवालय में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दे दी गई है। नई नीति को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने कहा कि गुणवत्ता मात्रा और सामर्थ्य सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य, मतलब जो शराब को 99 में बेचेंगे उसका मुख्य उद्देश्य भी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थ सारथी ने कहा कि शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस लॉटरी सिस्टम के जरिए 2 साल के लिए दिया जाएगा। लाइसेंस चाहने वालों से 2 लाख रुपए का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क लिया जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच की जाएगी और इसके 4 स्लैब बनाए हैं। वो स्लैब क्या है वो समझते हैं। 50 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक के 4 स्लैब बनाए गए हैं वो होंगे और दुकान मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% का लाभ मिलेगा। समझाते हुए स्लैब उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में से कम 10% दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को 5 साल की अवधि के लिए लाइसेंस देगी। इन प्रीमियम दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क 1 करोड़ रुपए होगा। इन दुकानों के लिए गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क 15 लाख रुपए होगा। उन्होंने कहा कि तिरुपति में प्रीमियम दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। तिरुपति बालाजी के आसपास वहां पर प्रीमियम दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री श्री पार्थ सारथी ने आरोप लगाया कि पिछली YSRCP सरकार ने शराब नीति का दुरुपयोग किया और भारी राजस्व प्राप्त किया। पिछली सरकार ने घटिया गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराई जिससे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि NDA सरकार सस्ती कीमत और गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब वही चंद्रबाबू नायडू जो कि NDA का हिस्सा है, NDA में भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख दल है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति के प्रति कितनी संवेदनशील थी, कितना उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, कितना दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ शिकायतें हुई कि जिसके बाद दिल्ली के मंत्री नेता विधायक मुख्यमंत्री सहित को जेल जाना पड़ा। और अब NDA संबंधित NDA के घटक दल के मुख्य रूप में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वो आंध्र प्रदेश में एक नई नीति लेकर आते हैं। वो भी आरोप लगाते हैं कि पिछली जो YRCP की सरकार है उसमें घपला हुआ है और इस सरकार में जो नई नीति आई है उसका एक उद्देश्य भी बताते हैं कि हम अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शराब आपको दिलाएंगे। अब शराब गुणवत्ता पूर्वक है या मिलावटी है इसकी परख कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, कौन बताएगा, ये तो नहीं पता। लेकिन शराब उपभोक्ताओं को जो शराब पीने वाले हैं जो शराब पीने के आदि हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ब्रांड कुछ भी हो आपको 99 रुपीज में शराब मिल जाएगी। आप आसपास के राज्य वाले भी खुशी मना रहे होंगे, उनको भी लगेगा कि ठीक है अब 99 रुपीज में उनको अच्छे ब्रांड वाली शराब मिलेगी, उसकी क्या गुणवत्ता होगी वो तो पीने वाले ही बताएंगे। आप इस स्कीम से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और NDA के घटक दल मुख्य घटक दल के रूप में काम कर रही नायडू जो आंध्र प्रदेश के CM हैं उनके इस कदम से आप क्या समझते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।